हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश। आप देख रहे हैं स्टडी मटेरियल ए टू जेड। दोस्तों, एयरफोर्स ग्रुप सी की बड़ी अपडेट आ चुकी है। फाइनली बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट भी आते रहते हैं कि सर 85 पोस्ट और 197 पोस्ट का एग्ज़ाम जो कि कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है। और यहां पे दोस्तों एडमिट कार्ड भी फाइनली आ चुके हैं। और दोस्तों, जिनके यहां पे 257 और जो 1524 तक जो एग्ज़ाम चल रहे थे उनकी भी फुल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके उन सभी कैंडिडेट्स के लिए अनिवार्य है दोस्तों, जो यहां पे जो कि अप्लाई किए हैं एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए 257, 1524, 197, 85 और 174 सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों वीडियो, जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है इन पोस्ट के लिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आपको ज्वाइनिंग तक का सफर हम तय करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको बहुत सारी चीजें दोस्तों मिल जाती है। आपके यहां पे आपकी रिजल्ट लिस्ट, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पास में नहीं हो पाते हैं और एग्जाम सेंटर से, तो उनको लिस्ट मिल जाती है दोस्तों यहां पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको रिजल्ट लिस्ट है और बहुत सारी अपडेट भी आपको यहां पे तुरंत मिल जाती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको अपडेट करता हूं जो कि एक नया अपडेट है दोस्तों। इस एडमिट कार्ड की काफ़ी दिनों से यहाँ पे डिमांड आ रही थी कि सर ये एडमिट कार्ड कब आएगा, कब आएगा। फाइनली दोस्तों, लगभग जितने भी कैंडिडेट थे बेंगलोर के, उन कैंडिडेट के एडमिट कार्ड रिटर्न के भेज दिए गए हैं। और ये एक बड़ी न्यूज है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं का अब एग्ज़ाम बाकी रहा है और लगभग जो आपके जो स्टेशन लगते थे उन्होंने अपना रिजल्ट भी घोषित कर दिया है। और लगभग ऐसे भी स्टेशन हैं जिन्होंने अपना स्किल कंडक्ट भी करवा लिया है, और कुछ जो स्टेशन हैं जो बचे हुए हैं उनके भी बहुत जल्द जो दोस्तों ये प्रोसेस जो आपकी कंडक्ट करवाई जा रही है। कुछ एयर स्टेशन ऐसे भी हैं जिनके फाइनल लिस्ट भी जारी कर दिए हैं, जैसे दर्जीपुरा है, जामनगर है दोस्तों, और भी अदर बहुत सारे हैं जिनके यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। लगातार अपडेट कर रहे हैं, लगातार आपको सारी इन्फॉर्म कर रहे हैं। ये आपको मैं इन्फॉर्म क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो बेंगलोर वाले कैंडिडेट थे उनकी यहां पे लास्ट में बचा हुआ था सभी के एडमिट कार्ड। आई होप दोस्तों 257 और 1524 के जितने भी आपकी एयर स्टेशन लगती थी सभी के एडमिट कार्ड मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आ चुके हैं, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से रिव्यू किए हैं। और हो सकता है कि कुछ बचे हुए हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर बचा हुआ है तो कोई एक दो एयर स्टेशन होंगे, लगभग एयर स्टेशन दोस्तों यहां पे कवर हो चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये भी एक बड़ा संकेत मिल जाता है कि दोस्तों आपकी जो अपकमिंग जो एग्जाम होने वाली है 197 और यहाँ पे दोस्तों आपकी पोस्ट 85 पे जो भर्ती निकली थी उसके एग्ज़ाम दोस्तों कब तक होगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने इसके लिए भी अप्लाई किया होगा। मैं भी दोस्तों यहाँ पे बड़ी खबर यही है, क्योंकि इसी का रिजल्ट बाकी था और बहुत सारी एयर स्टेशन हैं जिनकी फाइनल लिस्ट भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। और आपको जैसे अगर हम बात करें दोस्तों 197 पोस्ट की, उसकी दोस्तों 5 सितंबर लास्ट डेट थी। और उसके दोस्तों एक बड़ी खबर यह भी है कि जो 85 पोस्ट और 197 वाली जो पोस्ट है उसके एग्जाम एक साथ कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट ने काफी सारे फॉर्म फिलअप किए होंगे तो यहां पे आपके थोड़ी सी दोस्तों दिक्कत आ सकती है कि आपका एक साथ एग्जाम भी हो सकता है। तो अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा कि आपको हो सकता है कि एक दिन का टाइम मिल जाए या फिर दोस्तों एक साथ कंडक्ट करवाया जा सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों एग्जाम की, तो दोस्तों 45 डेज के भीतर भीतर आप सभी के एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। अक्टूबर के
आपके यहाँ पे सितंबर और अक्टूबर, अक्टूबर के दोस्तों एंड में हमें कोई ना कोई एग्ज़ाम रिलेटेड दोस्तों अपडेट ज़रूर मिलेगी, और अपडेट दोस्तों सिर्फ आपको एडमिट कार्ड आने के बाद ही मिलेगी, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। जो कैंडिडेट दोस्तों अभी एग्ज़ाम प्रिपरेशन नहीं करना स्टार्ट किया है तो कर दीजिएगा स्टार्ट, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, और इनके एग्ज़ाम दोस्तों लगभग आपके डेढ़ मंथ के भीतर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाता है फॉर्म फिलपिंग के ड्यूरिंग। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे सर 85 वाला पहले हो गया था, तो दोस्तों इनका एक साथ आपका दोस्तों एग्ज़ाम होगा। जिस प्रकार से देखिए 257 कोरोना के कारण दोस्तों डिले रह गया था और 1524 इनका एक साथ हो गया था, तो मैं भी दोस्तों एक साथ आपका दोस्तों यहाँ पे भी कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि सारी प्रोसेस जल्दी जल्दी जो उनको कंडक्ट करवानी है, वैकेंसी जो है बहुत जल्द भरनी है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे अपडेट करनी थी। तो अब एग्ज़ाम दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपके एग्ज़ाम जो दोस्तों नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, तो सभी कैंडिडेट लग जाइएगा अब दोस्तों सितंबर और दोस्तों अक्टूबर और नवंबर में आपकी सारी प्रोसेस दोस्तों जो चलने वाली है, और यहाँ पे अक्टूबर के दोस्तों एंड तक जो सारी चीज़ें आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं जो सारी जो लगभग कंडक्ट यहाँ पर करवा लिए जाएंगे। तो आपके दोस्तों यही चीज़ें हैं कि अक्टूबर के एंड तक आपके स्टार्ट होकर नवंबर तक जो ये सारी चीज़ें आपकी कंडक्ट करवा ली जाएगी। तो अब आपको प्रिपरेशन करना है, और कट ऑफ भी दोस्तों मैंने वीडियो जो बहुत सारी कट ऑफ के रिगार्डिंग भी वीडियो दी हैं, तो उन पे भी आपको फोकस करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई है, और मैंने ये अपडेट भी कर दिया है कि जो बैंगलोर वाले कैंडिडेट थे उनके सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, कर्नाटका का बहुत सारे कैंडिडेट के लगातार कमेंट थे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जय हिंद।